नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे कंपनी प्रमोशन बाय मंजित कुमार यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे, सिवान शहर में कोरोना वायरस आ चुका है तो आपको अलर्ट रहना है, आपको अपने परिवार को और अपने आप को बचाना है तो प्लीज आप अपने घर से बाहर ना निकलिए। मैं बताना चाहूंगा सिवान शहर में आज के दिन का न्यूज मुझे मिला है, मैंने देखा यूट्यूब पे और न्यूज में देखा है। अगौता गाँव नौतन थाना यानी सिवान क्षेत्र से, सिवान जिले से मतलब 15 किलोमीटर दूरी पे ये गांव है और उस गांव में एक युवक आया था बाहर से, मतलब फॉरेन एरिया से, और वहां से ये युवक संक्रमित था, यानी कि ये कोरोना वायरस अपोजिट पाया गया। तो प्लीज़ यार ये वायरस को आप लोग हल्के में मत लीजिए, बहुत बहुत खतरनाक है। और मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि यार प्लीज़ आप लोग घर पर रहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि यार और एक और चीज़ है कि आप जिस गांव में हैं, जिस वे में हैं, जिस शहर में हैं, जिस सिटी में हैं, सबसे पहले कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलने से पहले परहेज खाइए। अनजान मतलब कि आप घर में हैं और आपके आसपास के पड़ोस एरिया में अगर कोई भी इंसान दो दिन पहले, दस दिन पहले या बीस दिन पहले या एक दिन पहले बाहर से आया है, आपके गांव से ही बाहर से आया है, मतलब दूसरे शहर से आया है, तो प्लीज़ आप उससे दूरी बनाइए। आप उससे बोलिए कि आपको पहले, सबसे पहले आपको जाकर जांच कराइए किसी भी हॉस्पिटल में, सिवान के हॉस्पिटल में या कहीं भी जिस एवे में आया है उसको पहले जांच करने के लिए भेजिए। अगर नहीं गया है उसको पहले भेजिए। यही प्रॉब्लम है कि हमारे सिवान जिला में ये वायरस मतलब जो ये अपोजिट है, जो ये लड़का है बाहर से आया था और ये पता नहीं पटना में था, पटना से पता नहीं किस तरह से फरार हो गया, कैसे कैसे मतलब भाग गया वहाँ से और अपने गांव में आया, गांव में आकर चार पांच लोगों को, छह लोगों को पता नहीं है टच में आ गया, मतलब सुनने में 9 लोगों को, मैंने न्यूज़ देखा था अभी, सुनने में आया था 820 सिवान की न्यूज़ है, 80 न्यूज़ के माध्यम से मैंने जाना। और बहुत बड़ी बात है यार कि ये सिवान में आ गया, मतलब डर की वजह से, मतलब डरना ज़रूरी है यार, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, पूरे वर्ल्ड के हालात ख़राब हो चुके हैं और आई कान बिलीव दिस सिचुएशन की ये सिचुएशन इतना मतलब नाजुक हो चुका है कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो चुका है। सो प्लीज़ आप लोग इसे हल्के में मत लीजिए। और मैं बताना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि जो अंगौता गांव है ये श्रीनगर से मतलब 15 किलोमीटर दूरी पे है, श्रीनगर जो सुदर्शन चौक है वहीं से ये रास्ता जाता है। तो मैं वहाँ के एरिया के बारे में बताना चाहूँगा कि आसपास के जो एरिया है, सरावे, खालिसपुर, बगड़ा, मोदीपुर, जियाए और श्रीनगर, जितने एरिया हैं, प्लीज़ आप लोग इस गांव के हैं तो गांव से बाहर मत निकलिए, आप लोग गांव में ही रहिए, आप लोग मोड़ पे ही मत जाइए, क्योंकि वही वे है और वहाँ के सारा सील हो चुका है, जो गाँव है अंगौता गाँव, वहाँ उस गाँव को मतलब एरिया को लॉकडाउन कर दिया, पूरे तरह से लॉकडाउन कर दिया है। उस गांव के व्यक्ति, एक भी व्यक्ति उस गांव से बाहर नहीं जा सकता है, ना उस गांव में कोई आ सकता है। ये हमारे प्रशासन के द्वारा किया गया है और बहुत अच्छा किया गया है, बहुत बड़ी बात है कि सही में ये जो कदम उठाया गया बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ आप लोग 14 अप्रैल तक इस लॉकडाउन को मानिए, घर पर रहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है भले एक टाइम मत खाइए, लेकिन आप घर के बाहर मत निकलिए, क्योंकि बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप, मैंने अभी जो गांव का नाम रखा है आसपास के एरिया का, सो प्लीज़ आप लोग उस गांव के हैं तो ध्यान में रखें। और भी आसपास के गांव हैं, कंदवारा है, पपोलिया है, रिनुआ है, सिधवल है, प्रतापपुर है, मतलब इस एरिया के जितने भी हैं, सिवान सिटी में हैं, तो प्लीज़ आप लोग घर पर रहिए, क्योंकि सिवान में ये आ चुका है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, किसी को मतलब ये नहीं कर रहा, पैनिक होने का कोई तो टेंशन नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत टेंशन तो करना पड़ेगा कि ये सच है कि अगर हम डरेंगे तो हम सेफ रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो यही बात है कि प्लीज़ आप लोग इस वायरस को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत मतलब बहुत बहुत बुरा है। और आप अपने आप को सेफ रखने के लिए 2-3 काम कर सकते हैं। पहले तो आप अपने हैंड को वॉश करते रहिए और अपने आप को ज़्यादातर धूप में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रहिए और अपने कपड़े को लगातार मतलब चेंज करते रहिए। अगर आप सुबह पहने हुए हैं तो दोपहर में चेंज कर दें, दोपहर में हैं तो शाम को चेंज कर दें। ये आप सावधानी बरत सकते हैं, आप कर सकते हैं। सो प्लीज़
आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो संदेश है हर एक इंसान के पास पहुंच जाए जो मैंने जो कुछ कहा है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।